हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपने उसी टॉपिक यानी कि डिविजिबिलिटी रूल को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने इस एक्सरसाइज से, जो कि एक्सरसाइज रहेगी 3.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम डिफरेंट टेबल्स का डिविजिबिलिटी रूल्स सीख रहे थे। हम एक तक के डिविजिबिलिटी रूल्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आज हम लेने जा रहे हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? सारे डिजिट्स का अगर हम सम कर दें और जो सम निकल कर हमारे पास आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता हो तो पूरे का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली इन केस ऑफ 9, अगर हम सभी डिजिट्स का सम कर दें और अगर वो एडिशन 9 के टेबल में आता हो तो वो पूरे का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो आइए हम कुछ नंबर्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से और चेक करते हैं जल्दी से कि क्या वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। एक नंबर मैंने लिख दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी नंबर है, आखिरी पार्ट है और हम चेक करते हैं 9 से इसको। हम क्या करेंगे, इसकी सारी डिजिट्स का सम कर देंगे। देखिए मैंने सारी डिजिट्स ले ली हैं, अब आपको इनका सम करना है। 4 + 0 = 4 + 6 = 10 + 8 = 18 + 3 = 21 + 9 = 30। चेक करिए क्या 39 के टेबल में आता है। 9 1 = 9 9 2 = 18 9 3 = 27 9 4 = 36 पे पहुंच गए हम, यानी कि 30 नहीं आता। तो जब 30 ही 9 से डिविजिबल नहीं है तो पूरे का पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आइए देखिए कैसे लिखना है। 30 is not divisible by 9, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। सो तो ये जो हमारा नंबर है 406839 is also not divisible by 9। तो हम एक नंबर और ले लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो हम एक नंबर और पकड़ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है 990, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट है। इसकी सिर्फ 3 डिजिट्स हैं और हम तीनों को ऐड कर देते हैं। 9 + 9 = 18 18 + 0 = 18। तो 18 चेक करिए क्या ये 9 के टेबल में आता है। 9 1 = 9 9 2 = 18, यानी कि 18 आ रहा है। तो 18 इज डिविजिबल 9, सो 990 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। सो सिंपल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत इजी है। एक 9 का याद करेंगे तो 3 का भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 is divisible by 9, so 990 is also divisible by 9। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर होता है। आई थिंक आप सबको भी ये कॉन्सेप्ट 9 के टेबल का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टेबल के डिविजिबिलिटी रूल के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।